आत्ममुक्ति के तीन चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है, ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्ममुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जय भीम, नव बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है अपने चक्रवर्ती YouTube चैनल पर, जिससे आज हम देखने वाले हैं एक इतिहास के बारे में जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण इतिहास में से एक है। क्या आप जानते हैं भारत के विश्व धरोहर में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर माना जाता है वो सांची का महास्तूप का प्राचीन नाम क्या था? आइए इस इतिहास को खोजने की कोशिश करते हैं शिलालेखों के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहले हम सांची का ये जो स्तूप है, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण और अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है। ये मध्य प्रदेश के सांची नामक शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। पूर्व से पश्चिम में ये 17 मील के क्षेत्र में और उत्तर से दक्षिण में यह 10 मील क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्थल पर कई स्तूप हैं, जिनमें सांची के स्तूपों को सबसे प्रमुख माना जाता है और इस महान स्तूप का निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया है। ये स्तूप अन्य स्तूपों की तरह भगवान बुद्ध के रेलिक धातु पर नहीं बनवाया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस स्तूप का जो निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने किया था, उस स्तूप का रीडेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं या जीर्णोद्धार जिसे हम कहते हैं, उसे शुंग के दौरान में हुआ है और उसके ऊपर अच्छे तरीके से कला का आविष्कार सातवाहनों ने किया हुआ है। तो ये ऐतिहासिक धरोहर का प्राचीन नाम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या है। साथियों, क्या आपको सांची का प्राचीन नाम जानना है तो आपको भारत के सबसे प्राचीन लिपि को अवगत करना पड़ेगा। क्या है इस लिपि को जानना, कैसे जान सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। आज चक्रवर्ती YouTube चैनल के माध्यम से हमने भी कोशिश की है कि आपको ये लिपि अच्छे से समझ में आए। इसके लिए हमने कुछ लर्निंग वीडियो भी चक्रवर्ती YouTube चैनल पर दिए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखिए। सांची एक महत्वपूर्ण महाविहार के रूप से जाना जाता था। इस आधार पर अगर हम देखने जाएं, इस सांची को महाविहार के नाम से भी जिक्र शिलालेखों में आया है। तो ये महाविहार अगर है, और वो भी ये महाविहार में आर्य भिक्षु संघ का वास्तव्य था, ये शब्द हमें कई और भी पढ़ने के लिए मिलते हैं या हमने कई शब्दों को सुना होगा। ये शब्द हमें बौद्ध विद्यापीठों के जो मोहरे होती थी या जो सिक्के होते थे या मुद्राएं होती थी, उनमें इनका जिक्र आता हुआ हमें देखने मिलेगा। नालंदा जैसे महाविहार को जो विश्व यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानी जाती थी, उसे भी नालंदा महाविहार कहा गया है और वहाँ पे भी आर्य भिक्षु संघ का वास्तव था। तो ये बात से हम कहीं तो सांची को इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में सांची एक महाविहार था। तो चलिए, इसके लिए हमें उन शिलालेखों के पास जाना पड़ेगा जहाँ पे इसका जिक्र आया हुआ है। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको इस तरीके से क्यों बोला गया है या क्यों इसको इस नाम से लिखा गया है। तो इसको भी हमें ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। सांची का ये अभिलेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त सम्राट है,
इनके काल में सांची के ये पाषाण में, जिसे हम पाषाण कह सकते हैं या सांची के किसी एक पत्थर पर इसको अंकित किया हुआ देखने मिलेंगे। तो इसको ये दाहिनी वेदिका जो है, जो स्तूप के पूर्व तोरण के बाहर जो दाहिनी वेदिका है उसके द्वार पर ही क्या किया हुआ है, अंकित किया हुआ है। इसकी जो भाषा है ये कहीं तो मिश्र संस्कृत की तरह है, यानी कि पूरी संस्कृत भी नहीं है और पूरी प्राकृत भी नहीं है, तो ये दोनों का मिश्र रूप हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौद्वितीय के सेनापति अक्रम देव जिसे कहा जा गया है या जिसे अक्रम दर्व के द्वारा इस सांची स्तूप को किसी एक गांव का धर्मदान दिया हुआ है और बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन का और उस विहार में प्रकाश की योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व यह है कि यह इतना महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र को, यानी कि जो चंद्रगुप्त के सेनापति अम्रकादर्भ है, जिसका नाम अम्रकादर्भ है, इनके द्वारा ईश्वरवासक नाम का क्षेत्र और 25 दिनारों का दान दिया हुआ जिक्र हमें इस स्तूपों के बाहरी की वेदिका में दिखाई देते हैं। इसमें चंद्रगुप्त गुप्त राजवंश के सम्राट है, उनके धार्मिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है और इन्होंने इस जगह पर, जिसे हम आज इस जगह का नाम भी जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या है इस जगह का नाम, तो इसको इस शिलालेखों में कहा गया है काकनाद बोट। ये नाम शिलालेखों में आया है, काकनाद बोट, ये महाविहार के नाम से लिखा गया है। तो शुरुआत ऐसे हुई है, सिद्धम्म काकनाद बोट श्री महाविहारे शील समाधि प्रज्ञा गुण भावितेंद्रियाय परम पुण्य क्षेत्र। कई अक्षर यहाँ पे कुछ नष्ट हो गए हैं, तो उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ वर्ड यहाँ पर मिसिंग भी लगते हैं, लेकिन इसमें साफ साफ तौर पर पहले ही लाइन पर काकनाद बोट श्री महाविहारे इसका जिक्र आता है। तो इसमें ये बात साफ है कि जो काकनाद बोट महाविहार जिसे कहा गया है, तो इसका कारण क्या होगा कि इसको काकनाद बोट, ये सांची का प्राचीन नाम रहा होगा, क्यों रहा होगा, इसको भी हमें देखना चाहिए। तो इसको भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये संभव है, क्योंकि यहाँ पर काक नामक एक गणराज्य की बस्ती के कारण इस जगह को काकनाद बोट कहा गया है। कुछ विद्वानों ने ये भी जिक्र लगाया कि कौओं की नाद, जैसे कि इसको फ्लीट, मिस्टर जो फ्लीट है, इन्होंने अनुवाद किया था काकनाद जो शब्द है ये कौओं का नाद की तरह होगा, लेकिन हालांकि बात यह है कि वहाँ पर काक नामक गणराज्य संघ वहाँ पर था, इसका जिक्र हमें, ये जो बात है हमें इसको समझ में आती है। भिलसा के 20 किलोमीटर के दूर पर ही काकपुर नामक गांव भी है। तो साथियों, ये हमें ये पता चलता है कि सांची के इस पहाड़ी को, जो पहाड़ी का जो नाम होगा वो काकनाद पहाड़ी होगा, पहाड़ी के लिए नाम दिया गया है काकनाद, और ये काकनाद बोट ये महाविहार इस सांची में था, इससे ये प्रतीत होता है कि सांची का प्राचीन नाम काकनाद बोट है। आमतौर पर ये सांची के अभिलेखों में एक तोरण पर भी लिखा हुआ है और जिसमें जगह का नाम का प्राचीन नाम जिक्र होता है। गुप्त वंश के, जो हम चंद्रगुप्त के द्वितीय के शिलालेखों से पता चलता है, तो यहाँ पर भी काकनाद बोट महाविहार का जिक्र आया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ये महाविहार उस समय में शिक्षण केंद्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा होगा। इसके ऊपर अगर हम संशोधन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये स्तूपों के आसपास के बाजू में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और इसके बाद में आए हुए सांस्कृतिक बदलाव भी हमें इसी क्षेत्रों में दिखाया जाता है, जैसे कि उदयगिरी लेनी में, जैसे यहाँ पर हम सांची स्तूपों में
चंद्रगुप्त द्वितीय का शिलालेख देखते हैं वैसे ही उदयगिरी में भी है, लेकिन उदयगिरी का शिलालेख किसी अन्य संप्रदायों के लिए भी लिखा गया है। तो ये बात साफ है कि ये क्षेत्र का नाम काकनादी बूट महाविहार है। अभी हम शिलालेखों से पता चला हमें कि ये काकनादी बूट नामक महाविहार सांची का प्राचीन नाम है। अभी हम बात करते हैं सांची के स्तूपों की। तो सांची के स्तूप के चारों ओर एक परिधि पथ का निर्माण किया गया है जो पत्थर की रेलिंग से घिरा था, जिसे वेदिका भी कहा जाता है। परिक्रमा या प्रदक्षिणा बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों और भक्ति प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसे अतिरिक्त स्तूपों में एक हर्मिका भी जोड़ी गई है। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा गया है और इसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली है जो बौद्ध धर्म के तीन रत्नों को प्रदर्शित करती है। स्तूप के सबसे विस्तृत परिवर्तन सातवाहन काल के दौरान हुआ है, ईसा पूर्व दूसरी या पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक हुए हैं। स्तूप में चार प्रस्तर तोरण चार प्रमुख दिशाओं में जोड़े गए। इन तोरणों में दो प्रस्तर स्तंभ शामिल है जिनके स्तंभ ऊपर स्तंभ शिखर बने हुए हैं। स्तंभ स्वयं शिखर कुंडलिक शारो जिसे आयनिक स्तंभ में पाए जाने वाला घूंघर जैसा अलंकरण वाले तीन प्रस्तर पादों को सहारा देते हैं। इन प्रस्तर पादों में बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं का बड़े पैमाने में उकेरे गए हैं। चार द्वारों के कालानुक्रमिक क्रम निम्नानुसार है, दक्षिणी उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी। ये सभी प्रवेश द्वार धर्मनिष्ठ लोगों द्वारा धम्मदान किए गए हैं। उनके नाम इनके स्तंभों पर अंकित थे। समृद्ध नक्शेदार स्तंभ उन पर बनी उद्भुत आकृतियों के कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व की तीसरी तिमाही में लोगों के जीवन की एक झलक पेश करती है। गुप्त काल के दौरान सांची में और परिवर्तन किया गया, इनमें एक बौद्ध विहार और सिंह स्तंभ भी शामिल है। इस महान स्तूप के कटघरे पर चौथी शताब्दी ईसा का चंद्रगुप्त द्वितीय का शिलालेख उत्कीर्ण है, जिसकी जिक्र हमने अभी अभी किया है। कहा जाता है कि यह स्थल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक संपन्न धार्मिक केंद्र रहा है। ये प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप का पतन बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही हुआ है। इसका संशोधन का कार्य 1818 में सांची के जो संशोधन हुए हैं, जैसे इस जगह को जनरल हेनरी टेलर के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने इस जगह का खोज की है। सांची के महान स्तूप की लगभग अक्षुण्य स्थिति ने ऐसे खोजकर्ताओं की और पुरातत्वविदों की बढ़ती नस्ल की बड़ी बीच दिलचस्पी पैदा की थी, जो अधिकतर सेना की अधिकारी थी और यात्रा करने वाले पुरावशेष विशेषज्ञ भी थे। स्तूप की पहली वैज्ञानिक खुदाई 1851 में मेजर सर अलेक्जेंडर कनिंगहम की देखरेख में हुई थी। उन्होंने अपने सहयोगी लेफ्टिनेंट कर्नल एफ सी मेसी के साथ स्थल के चित्र बनवाए। बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों के अवशेष शतधारा में स्तूपों में स्तूप क्रमांक 3 के खंडघर में पाए गए, जिसका व्यास लगभग 40 फीट मापा गया था, जो महान स्तूपों से छोटा था। सांची के स्थल के अलावा सांची के 6 और 12 मील दूरी पर सोनारी, सतधारा, भोजपुर और अंधेरे के आसपास के स्तूपों में भी खुदाई की। यहाँ अनेक अनमोल खोजी की गई। अन्वेषण में प्राप्त प्राचीन वास्तुएं कनिंगहम और मेसी ने आपस में बांट लिया और लगभग सभी पुरावशेष इंग्लैंड में भेज दिए गए। 23 नवंबर 1853 को इंदौर में ब्रिटिश रेजिमेंट के सर रॉबर्ट नॉर्थ कोली हेलमिंगटन की भारत के गवर्नर जनरल को भोपाल की बेगम सिकंदर बेगम द्वारा सांची कानाखेड़ी के टॉप के दो प्रवेश द्वारों के नक्शेदार पत्थरों को महारानी विक्टोरिया को भेंट करने का प्रस्ताव के बारे में सूचना भेजी। लंदन भेज जाने के लिए दोनों प्रवेश द्वारों के समृद्ध रूप से नक्शेदार पत्थरों को हटाने के लिए तैयारी कर ली थी, फिर भी जटिल नक्काशियों को नुकसान पहुँचाए बिना संरचना को विघटित करने में लगने वाले खर्च और देखभाल के कारण उन्हें हटाने की योजनाओं में विलंब हुआ।
मुंबई में परिवहन के उचित साधनों की कमी के कारण इनके स्थानांतर को रोक दिया गया। इन प्रवेश द्वारों को हटाने और स्थानांतरित करने की भव्य व्यवस्था को भी एक झटका लगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार और भोपाल दरबार को अत्यधिक तनावपूर्वक राजनीतिक स्थिति में पहुंचा दिया गया था। सन 1868 में भोपाल की बेगम ने ब्रिटिश संग्रहालय में प्रवेश द्वार भेजने का प्रस्ताव को नवीनीकृत किया। हालांकि इस बार औपनिवेशिक प्राधिकरण द्वारा बेगम की पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये यथास्थिति परीक्षण परिरक्षक और स्मारकों के संरक्षण की परिणति के पालन के प्रतिबद्ध थे। इसके बजाय सन 1869 में रॉयल इंजीनियर्स के लेफ्टिनेंट हेनरी एच कोल की देखरेख में पूर्वी गेट का प्लास्टर कास्ट लंदन के साउथ कैंसिंगटन संग्रहालय में भेजे जाने के लिए तैयार किया गया। इस एक विस्तृत कवायद थी जिसमें रॉयल इंजीनियर्स में कर्मियों की भर्ती थी और जेलेटिन पृथक ढांचों से सांचा बनाने की मिट्टी के दबाकर सांचा बनाने का प्रशिक्षण शामिल था। सांची का संरक्षित स्मारक का संरक्षण कब किया गया? सांची में परिरक्षण और संरक्षण के प्रयासों के लिए 1869 में वहां एच एच कोल का आगमन एक महत्वपूर्ण अग्रदूत था। यह वही समय था जब संरचना को पुनर्स्थापना के साथ साथ सांची स्मारकों की नकल तस्वीरें खींचने और उनकी प्रतिकृति बनाने के लिए एक बड़ी परियोजना कार्यान्वित हुई थी। सांची के प्राचीन स्थल को संरक्षित करने के लिए 1880 के दशक में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा संगठित प्रयास किए गए। स्थल पर संरक्षण का एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों का और से एक स्वागत योग्य कदम था। हालांकि यह प्रयास मुख्य स्तूप के आसपास के कई छोटे स्तूपों के लिए विनाशकारी साबित हुआ, जो मुख्य स्मारक तक जाने वाली सड़क के निर्माण को समायोजन करने के लिए विस्थापित किए गए थे। पुनर्स्थापित दक्षिणी प्रवेश द्वार के सरदलों को आगे पीछे की ओर रखा गया था। इन संरचना को और नुकसान नहीं पहुँचने का डर से इन गलतियों को कभी फिर से परिवर्तित नहीं किया गया। 1904 में भोपाल में राज्य अभियंता श्री कुक की देखरेख में इस सदाशयी देखिन, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण संरक्षण का दूसरा चरण शुरू किया गया। पुनरुद्धार कार्य के दौरान महान सांची के चारों ओर मुख्य कटघरे के खंभों और मुंडरे के पत्थरों को तोड़कर नष्ट कर दिया गया था। उन्हें दानदाताओं के नाम के शिलालेख सहित हटा दिया गया। संरचना को पहुंची इस तरह की अपूर्णीय क्षति के कारण पुरातात्विक और प्रशासनीय हालातों में तीव्र रोष पैदा हुआ। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सुविध रूप से इन उपायों को अपवित्रता के अभिषेक के रूप में वर्णित किया। सांची स्तूपों का संरक्षण और देखभाल ब्रिटिश सरकार के लिए एक विशेष चिंता का विषय बन गया। लॉर्ड कर्जन ने जब 1899 में उस जगह का दौरा किया था तभी से वे विशेष रूप से सांची को संरक्षण में लगे हुए थे। नवंबर 1905 में भोपाल से गुजरते समय उन्होंने ये सुझाव दिया कि स्तूपों को भारत सरकार को सौंप दिया जाए। हालांकि भोपाल की बेगम सुल्तान जहां ने पुरातात्विक अभिरुचि के स्मारक के रूप में बौद्ध व्यवस्था के संरक्षण के लिए भोपाल राज्य की मंशा बताते हुए प्रस्ताव से इनकार कर दिया। उन्होंने सांची के संरक्षण और पुनरुद्धार की व्यवस्था की। भोपाल राज्य ने 1912 और 1919 के बीच भारत में पुरातत्विक के महानिदेशक जॉन मार्शल द्वारा शुरू की गई सांची स्थल की पुनरुद्धार परियोजना के अगले चरण में धन निवेशन किया। उन्होंने यह समय उन भयानक नुकसानों को मिटाने में बिताया जिनके कारण उस स्थान पर अधिकांश स्तूप गिरकर बस मलबा बनकर रह गए थे। पहाड़ी के तल पर मार्शल द्वारा एक छोटा संग्रहालय स्थापित किया गया। यह स्थल के चारों ओर बिक्री हुई प्राचीन वस्तुओं की देखभाल और संरक्षण के लिए समर्पित किया गया। भोपाल दरबार में इस मामले में पूर्ण समर्थन दिया, क्योंकि इस संग्रहालय के निर्माण को भोपाल के बेगम ने को पूरी तरह से वित्त पोषित किया था। 1920 में सांची के भोपाल के राजनीतिक अभिकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सी लॉर्ड को भोपाल के दरबार के वारिस नवाब जादा हमीदुल्ला खान का एक पुत्र मिला, जिसमें उन्होंने कुछ अवशेष मंजूषाओं और अन्य वस्तुओं के बारे में
बताया, जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंगहम द्वारा सांची के ब्रिटिश संग्रहालय में लाया गया था। उन्होंने इस तथ्य के मद्देनजर उनकी वापसी के लिए अनुरोध किया कि चूंकि अब की सांची का अपना संग्रहालय है तो इन मूल्यवान वस्तुओं पर उनके दावे की प्रधानता होनी चाहिए। पत्र के साथ उन्होंने जॉन मार्शल द्वारा 1919 में तैयार की गई सांची की 17 वस्तुओं की एक सूची संलग्न की थी जो वर्तमान ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। जब सांची पुरावशेषों के पुनरुद्धार का ये मामला लॉर्ड द्वारा मार्शल को भेजा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ब्रिटिश संग्रहालय सांची की मूल पुरावशेषों को वापस करने के लिए एक क्षण के लिए भी विचार नहीं करेगा, और उन्होंने राजनीतिक अभिकर्ता को वक्त बात छोड़ देने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि अगर ऐसी मिसाल कायम की जाती है तो ब्रिटिश संग्रहालय जल्द ही अपने आधे खजाने से हाथ धो बैठेगा, जिसकी ग्रीस, मिस्र और इटली और दूसरे दर्जनों देश वापस मांग करने लगेंगे। ये मामला तब तक थमा रहा जब तक कि 1940 में सांची के पुरावशेषों की वापसी की मांग नहीं की गई। प्रेस में यह बताया गया कि सारिपुत्र और महामोगलान के अवशेषों को विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय द्वारा महाबुद्धि सोसाइटी को नई दिल्ली में बौद्ध विहारों में स्थापित करने के लिए सौंपा दिया जाएगा। 1938 में महाबोधि सोसाइटी के बॉम्बे में महाभारत सरकार से विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम लंदन से सारिपुत्र और महामोगलाना के अवशेष वापस लाने के लिए अनुरोध किया गया। 1939 में संग्रहालय के भारत के राज्य सचिव के हस्तक्षेप के माध्यम से महाबोधि सोसाइटी को अवशेष लौटाने का फैसला किया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ जाने के कारण अवशेषों का स्थानांतर स्थगित करना पड़ा। युद्ध का हस्तक्षेप भोपाल दरबार के लिए समयानुकूल साबित हुआ। पुरावशेषों के लिए भोपाल दरबार की मांग को बहाल करने वाला एक पत्र भोपाल में राजनीतिक अभिकर्ता एलजी वालिस को भेजा गया, जिसमें ये कहा गया था कि भोपाल सरकार अवशेषों को मालिक थी और उन्हें सांची संग्रहालय में बहाल किया जाना था, जो उन्हें उनके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता था। उन्होंने सांची के अवशेषों की वापसी के लिए एक अथक प्रयास किया। वे बौद्ध तीर्थयात्रियों की धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार अवशेषों के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए तैयार थे। भोपाल सरकार के अनुरोध किया गया कि वह भारत सरकार द्वारा सांची में अवशेषों का प्रतिष्ठापना करेंगे और महाबोधि सोसाइटी को राजी करें। तदनुसार 1946 में भोपाल सरकार और महाबोधि सोसाइटी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें ये निर्णय लिया गया कि अवशेषों को अंततः सांची के एक नवनिर्मित विहार में प्रतिष्ठापित किया जाएगा। अंत में 30 नवंबर 1952 में सांची में नई चेतियागिरी विहार में उनके मूल मंजूषाओं को अवशेषों को प्रस्तापित किया गया एक भव्य और उपयुक्त समारोह में, जिसमें बर्मा, कंबोडिया और श्रीलंका के विश्व और बौद्ध नेताओं और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। ये राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सांची को आधुनिक जीवन का उद्घाटित करते हैं। सांची का जो स्तूप है ये विश्व धरोहर जिसे आज हम माना जाता है वो 1986 में, जिसे हम ये कहते हैं कि 1986 में या इस जगह को सांची की पहाड़ी पर एक जो नया संग्रहालय भवन स्थानांतरित किया गया था, इसके बारे में भी हमें जिक्र मिलता है। भारत में इतिहास की ऐसी घटनाएं जो है वो हमें लगभग देखने के लिए मिलती है। ये अवशेष निर्माण का जो महत्वपूर्ण हिस्सा जिन राजाओं से या जिनके कारण से हमें पता चलता है वही मौर्य कालखंड से प्रतीत होता है। मौर्य कालखंडों ने इस स्तूपों को जिस तरीके से ईंटों से बनवाया था, वही शुंगों ने इसे ईंटों को पत्थरों से ढकाया और सातवानों ने इस पर कलाकृतियों का अलंकरण किया। तो वैसे महान सम्राटों और राजाओं का योगदान भी इस स्तूप के लिए दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांची के लिए सबसे योगदान जिन लोगों ने दिया हुआ है, जिसमें कई सारे लोगों के बारे में जिक्र आता है और कई सारे लोगों का दान का अभिलेख हमें आज भी सांची के शिलालेखों में देखने मिलते हैं। सांची का ये महास्तूप विश्व धरोहर है जिसे हम
आज के स्वरूप में देखते हैं। ये सांची का विश्व धरोहर जिसे यूनेस्को ने 1989 में, जिसे हम ये कह सकते कि 1989 में, इस स्थल को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल किया गया था। और ऐसे महान ऐतिहासिक स्थलों का प्राचीन नाम भी हमें सांची के ही शिलालेखों से पता चलता है, जो एक शैक्षणिक केंद्र भी रहा होगा। ये काकनाद बोट नामक महाविहार, यहाँ पर जो भिक्षु संघ रहते थे उनके लिए दिए गए दानों के लिए और सब उस स्तूप के निर्माण के लिए जो शुंग सम्राट है, जिनका नाम अग्निमित्र शुंग है, ये पुष्यमित्र शुंग का लड़का है, इसने इस स्तूपों में ईंटों से बनाए हुए स्तूपों पर इसने पत्थरों का अलंकरण करके स्तूप को और भी मजबूत बनाया। और आज जो हम स्तूप के सुंदरता को देखते हैं, तो ये शुंग और सातवानों का सबसे बड़ा योगदान है। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सांची के प्राचीन नाम का भी इतिहास बता दिया है और सांची के संशोधन के बारे में बताया गया है। सांची में किस तरीके से पुनरुद्धार का काम किया गया था, इसके बारे में भी आपको बताया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप ज़रूर अभिप्राय दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना भी ना भूलिए। अपने चक्रवर्ती YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।